नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर की ईओ जबलू ने पूर्व बिशप पीसी सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ धार्मिक भूमि को बेचने के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। गोरखपुर का टंगा की धार्मिक संस्था की भूमि को पीसी सिंह और उनकी पत्नी ने अपने परिवार हित में विक्रय किया है। इससे विक्रय के अवैध होने के कारण अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस संबंध में जबलपुर ईओ जबलू को एक शिकायत मिली थी। जांच में शिकायत प्रमाणित पाई गई। शिकायत प्रमाणित पाए जाने के बाद पूर्व बिशप पीसी सिंह और उनकी पत्नी नौरा सिंह और अन्य के खिलाफ 420, 467, 471 और 120B के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। ईओ जबलू के आरडी भारद्वाज ने बताया कि पूर्व बिशप सिंह के खिलाफ पहले से ही जबलपुर सहित अन्य राज्यों में अपराध पंजीबद्ध है। पीसी सिंह ने जिस भूमि को बेचा है वो धार्मिक संस्था की भूमि है और धार्मिक संस्था की भूमि को नियम विरुद्ध बेचा नहीं जा सकता। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जबलपुर में कटंगा गोरखपुर स्थित एक धार्मिक संस्था की भूमि को पूर्व बिशप पीसी सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती नौरा सिंह अपने परिवार के हित में विक्रय किया गया। इस विक्रय के अवैध होने के कारण अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इससे संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत जांच में प्रमाणित पाई गई और शिकायत जांच में प्रमाणित पाए जाने पर पूर्व बिशप पीसी सिंह उनकी पत्नी श्रीमती नौरा सिंह एवं अन्य के विरुद्ध धारा 420, 467, 471, 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना में जो तथ्य आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। ये आवेदक द्वारा शिकायत की गई और उसके शिकायत के तथ्यों की पुष्टि जांच में हुई और जांच में शिकायत प्रमाणित पाई गई। ये करोड़ों रुपए की भूमि है, शहर के मध्य स्थित है, कटंगा गोरखपुर की भूमि है और एक धार्मिक संस्था की भूमि जो नियम से विक्रय ही नहीं हो सकती थी। अवैध लाभ अर्जित करने के लिए गलत ढंग से ये विक्रय किया गया। हाँ, देश के अनेक राज्यों में पूर्व बिशप पीसी सिंह के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हैं और अभी ईओडब्ल्यू में भी पूर्व में अपराध पंजीबद्ध हुए और ये घटना जो धार्मिक संस्था की जमीन से संबंधित अभी शिकायत जांच में आई है तो ये अपराध पंजीबद्ध कर व्यवस्था में लिया गया। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।